बहराइच में 10 अप्रैल को नगरपालिका परिषद बहराइच के अंतर्गत मोहल्ला हनुमानपुरी कॉलोनी में स्थापित कंटेनमेंट जोन का जिलाधिकारी शंभु कुमार ने किया औचक निरीक्षण। बहराइच में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के मतदान को सफल संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से अनुपस्थित रहने वाले मतदान कर्मियों के विरुद्ध होगी दर्ज FIR। फरुखाबाद के कायमगंज में शमसाबाद के गांव सुल्तानपुर खरेटा में संदिग्ध परिस्थितियों में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग। गेहूं की फसल में आग लगने से लगभग एक दर्जन किसानों की गेहूं की फसल हुई जलकर राख। ग्रामीणों ने पंपिंग सेट चलाकर खेत पर खेत जोतकर पाया आग पर काबू। अलीगढ़ में गुलापुर में जिला पंचायत सदस्य चुनाव की तैयारियों में जुटे भाजपा नेता बोधपाल सिंह को मारी गई गोली। गोंडा में एक व्यक्ति के पास से 180 पैकेट नकली बीड़ी, भिन्न भिन्न ब्रांड के करीबन 50 बंडल लूज बीड़ी व बीड़ी बनाने में प्रयुक्त भिन्न भिन्न कंपनियों के छोटे बड़े रैपर व बरामदगी की हुई गिरफ्तारी। बहराइच के कैसरगंज में आज कैसरगंज में 15वां होली मिलन समारोह अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मुकुट बिहारी वर्मा, सहकारिता मंत्री संयोजक कौशलेन चौधरी और कई लोग रहे उपस्थित। इटावा पुलिस द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करने वाले हत्यारोपी पति को मात्र 48 घंटे के अंदर किया गया गिरफ्तार। इटावा पुलिस द्वारा गरीब महिलाओं एवं बच्चों को थाना प्रभारी बकेवर द्वारा किया गया भोजन वितरित। इटावा में 9 अप्रैल को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा ब्रजेश कुमार सिंह द्वारा आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत शहर में निकलकर संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। बिना हेलमेट बिना सीट बेल्ट लगाए हुए चालकों को जागरूक किया, साथ ही कोरोना वायरस को लेकर मास्क भी किया वितरित। इटावा में मेडिकल केयर यूनिट में कोरोना से बचाव हेतु वरिष्ठ भाजपा युवा नेता एवं सभासद शरद वाजपेयी ने लगवाई कोवैक्सीन की पहली डोज। आगरा में 25,000 के इनामिया बदमाश से पुलिस की हुई मुठभेड़। थाना मलपुरा के पथौली नहर के पास यह मुठभेड़ हुई है। रिजवान नाम के 25,000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हुई। थाना नाई की मंडी से रिजवान पर इनाम है 20 से 25 मुकदमे का। रिजवान आरोपी है। कुशीनगर जनपद के कप्तानगंज कस्बे के सिक्टा रोड पर स्थित एक हॉस्पिटल में डिलीवरी के 2 दिन बाद बच्चे की मौत पर परिजनों ने हंगामा काटा और डॉक्टर पर लापरवाही का लगाया आरोप। लखीमपुर खीरी में पुलिस अधीक्षक खीरी व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी द्वारा चलाया जा रहा है मास्क चेकिंग अभियान, दुकानदारों को दिया सख्त हिदायत। हाथरस में गेहूं की खड़ी फसल में लगी भीषण आग, लगभग 30 बीघा गेहूं की फसल जलकर भीरा। ग्रामीणों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कोतवाली हाथरस जंक्शन क्षेत्र के अखईपुर गाँव का पूरा मामला। लखीमपुर खीरी के धौरारा से तेज तर्रार एवं अत्यंत कर्तव्यनिष्ठ पुलिस क्षेत्र अधिकारी TN दुबे ने थाना क्षेत्र फूलबेहर के सुंदरवन स्कूल में चौपाल लगाकर जनता व प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता व COVID-19 के प्रोटोकॉल के बारे में दी जानकारी। बिजनौर में बंद कमरे में युवक ने लगाई फांसी, मृतक की जेब से पुलिस को मिला सुसाइड नोट में मृतक ने पड़ोसी महिला व भाई को खुदकुशी करने का जिम्मेदार ठहराया। खबर लखनऊ से है, जहां पर पुलिस उपायुक्त उत्तरी क्राइम टीम के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में पुलिस उपायुक्त उत्तरी रही सख्त ने निर्देशन में पुलिस उपायुक्त प्राची के प्रशिक्षण में सहायक पुलिस आयुक्त अलीगंज छठेश पांडे के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक जानकीपुरम कुशल नेतृत्व ने पुलिस टीम द्वारा एक घर के अंदर से 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो कि जुआरी हैं, जिसमें 9,56,750 और 2 4-पहिया, 8 मोटरसाइकिल, 34 मोबाइल, 3 ताश की गड्डी समेत लोगों को गिरफ्तार किया गया। लखनऊ से परमानंद की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। गोरखपुर के पिपराइच के भटाट रोड पर नेशनल मेडिकल स्टोर पर कोरोना मरीज मिलने से मचा हड़कंप। कानपुर से उत्तर प्रदेश के सहायता एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश मिश्रा की पत्नी कमलेश मिश्रा के दोनों घुटनों का ऑपरेशन ग्लोबल हॉस्पिटल में हुआ। कानपुर में डॉक्टर RK सिंह द्वारा सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया। एसोसिएशन डॉक्टर RK सिंह व उनके समस्त स्टाफ को हृदय से धन्यवाद दिया गया। मैनपुरी में रमजान व पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस ने दिए निर्देश, थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई संपन्न।
इटावा में आगामी क्षेत्रीय पंचायत चुनाव की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद में 19 अप्रैल को होने वाले द्वितीय चरण के मतदान को शांतिपूर्वक एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने हेतु की बैठक। देश भर में मन रहा टीका उत्सव, कोरोना के खिलाफ जंग में पीएम मोदी ने की देश से अपील। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की आहट, मुंबई में होगी शराब की होम डिलीवरी। केरल में हेलीकॉप्टर की हुई क्रैश लैंडिंग, बाल बाल बची बिजनेसमैन यूसुफ अली सहित अन्य यात्रियों की जान। देश भर में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 24 घंटे में आए 1.5 लाख से अधिक केस, 800 लोगों की हुई मौत। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के घर के बाहर जहर खाने वाली महिला की मौत, सुसाइड नोट भी हुआ बरामद। महात्मा ज्योतिबा फुले को आज देश कर रहा है याद, कोई पीएम मोदी ने भी किया नमन। मुरादाबाद में कोरोना की दूसरी लहर में फ्रंटलाइन की भूमिका में नगर निगम, रात में भी हो रहा सैनिटाइजेशन। यूपी के 52 जिलों में लहलाएगी औषधीय फसल, राष्ट्रीय आयुष मिशन की हुई पहल। उन्नाव में भाजपा ने उन्नाव से काटा कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर का टिकट। सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, मास्क न लगाने वालों पर लगे तत्काल जुर्माना, 30 अप्रैल तक सभी स्कूल रहेंगे बंद। यूपी के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें लोग, रोग प्रतिरोधक क्षमता का करें विकास। कानपुर में शिक्षिका से चेन लूटने वाला बदमाश हुआ गिरफ्तार, तमंचा दिखाते समय सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई थी कारिस्तानी। लखनऊ में प्रतिबंधित पक्षियों के 2 तस्कर हुए गिरफ्तार, एसटीएफ और वन विभाग की टीम ने जब्त किए 250 तोते। गोरखपुर में पुलिस को देखकर छत से कूदा अपहरण का आरोपी, हाईटेंशन तार की चपेट में आने से ही मौत। बुलंदशहर में प्रत्याशी को दी चेतावनी, 40,000 दे दो बच जाओगे कार्रवाई से, सिपाही हुआ निलंबित। उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुर खरही में मामूली विवाद के बाद युवक ने रिटायर्ड फौजी को कुल्हाड़ी से काटा, जिसके बाद खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर युवक पहुंचा थाने, पुलिस के उड़े होश, बोला मैंने फौजी को काट डाला। लखनऊ में मास्क नहीं लगाने पर टोका तो आग बबूला हुई, ई रिक्शा चालक दरोगा को जड़ा थप्पड़। बागपत में वोट देने से मना करने पर परिवार पर धारदार हथियार से हुआ हमला, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के अलीगढ़ में पति ने कैंची से गोदकर पत्नी की निर्मम हत्या, फिर खुद पहुंच गया थाने। मेरठ के पुलिस कर्मी की शर्मनाक हरकत, दुष्कर्म के बाद छात्रा से बोला मुंह खोला तो अश्लील फोटो वायरल कर दूंगा। मुजफ्फरनगर यूट्यूबर व गायिका फरमानी नाच को पति ने दी हत्या की धमकी, दर्ज कराई शिकायत। मेरठ में सनसनीखेज वारदात, प्रेमिका की हत्या कर प्रेमी ने खुद गोली से उड़ाया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 3 साल में अमेरिका और यूरोप जैसी होंगी भारत की सड़कें। चुनाव आयोग ने कोरोना दिशा निर्देशों का पालन न करने पर चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध लगाने की दी चेतावनी। चुनावों में कोरोना दिशा निर्देशों का उल्लंघन पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मांगी कार्रवाई रिपोर्ट। नरेंद्र सिंह तोमर की किसानों से अपील, कोरोना की नई लहर को देखते हुए खत्म करें आंदोलन। कोरोना की चपेट में आई भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे, फैंस से की खास अपील। कोरोना वायरस के मामले को देखते हुए एक्टर सोनू सूद ने की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की अपील।